Yes, students, today I will discuss question answers and some questions I have discussed earlier. What is meant by proto-industrialization? Meaning of proto-industrialization, इसमें आपने बच्चे बताना है prior to industrialization. Proto का मतलब होता है prior. अगर हम कहते हैं industrialization का time period था 19th century, तो proto का time क्या था? 17 and 18 सेंचुरी. क्लियर? एंड इसके और फीचर्स क्या थे? मर्चेंट्स दे फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स. विच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स? गिल्ड, स्ट्रॉन्ग गिल्ड सिस्टम वाज देयर. एंड ड्यू टू दिस गिल्ड सिस्टम मेनी न्यू मर्चेंट्स दे कुडंट फाइंड एनी स्पेस इन द सिटीज. सो दैट्स व्हाई टू कैरी ओवर देयर प्रोडक्शन प्रोसेस they moved to the village areas. There they found different kind of domestic units. Domestic units ka matlab weavers and workers. They made yarn cloth in their houses, not in the factories. Each clothier merchant controlled 20 to 25 workers at each step of the cotton textile. So approximately 80 to 100 workers, they worked for these merchants. And finally, when the textile was produced, kapda ban jata tha, then isko dyeing ke liye London laate the aur wahan pe iski proper finishing ki jati thi aur uske baad dusri countries mein isko bechte the. Iska matlab hai kapda banana, that was the monopoly. Monopoly ka matlab kya hota hai? Single right, guild system ke paas tha, monopoly. एंड लेकिन कपड़ा बनाकर शहर में लाना, उसको बेचना, तो दैट वाज फ्री. सो दैट वाज दैट दैट इज व्हाई एट दैट टाइम मेनी मर्चेंट्स, न्यू मर्चेंट्स, दे मूव टू विलेज एरियाज टू कंप्लीट देयर प्रोडक्शन प्रोसेस. दिस वाज द फेस ऑफ, क्या कहते थे इसको, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. नेक्स्ट इज व्हाई सम इंडस्ट्रियलिस्ट इन यूरोप दे प्रेफर हैंड लेबर ओवर मशीन. तो इसमें हमने, क्योंकि एक जो चैप्टर है बच्चे, ये हमने शॉर्ट आंसर्स के लिए प्रिपेयर करना है, तो हमने इसको एक्सप्लेन इन डिटेल में करना. आपको इसके हेडिंग आने चाहिए. लाइक इफ आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चन फॉर वन मार्क, तो मैंने आपसे ये पूछा कि व्हाई इंडस्ट्रियलिस्ट इन द यूरोपियन कंट्रीज दे प्रेफर्ड हैंड लेबर. क्यों प्रेफर करते थे हैंड लेबर? हैंड लेबर का मतलब हाथ से काम करवाना, मतलब वो मशीन्स नहीं खरीदना चाहते थे, वो लेबर से काम करवाते थे. तो इसका मतलब क्या है? नंबर वन, चीप. Yes, cheap labor. Second heading, costly machines. Third, हाँ, problem in the machines है ना. engineers जो थे, ठीक है, उनके जो visiting charges जो होते थे, these were very high. Maintenance was very high. High population, cheap labor. So these were. And one more thing, kings and queens they preferred handmade goods. एंड उनका ये मानना था कि जो मशीन मेड गुड्स हैं, दीज शुड बी गिवन टू कॉलोनीज, इंडिया जैसी कॉलोनीज को दे दी जाए. और हैंडमेड जो गुड्स हैं, जिसमें डिजाइन यूनिक होते हैं, कॉपी नहीं कर सकता उसको. मशीन मेड गुड्स जो होती हैं, वो सारी की सारी एक ही कलर की, एक ही तरह की होती हैं. दिस इज द रीजन इन द स्टार्टिंग ईयर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन मैनी पीपल दे प्रेफर्ड हैंड लेबर एज कम्पेयर टू मशीन मेड गुड्स. नेक्स्ट इज How did East India Company procure regular supply of cotton and silk textile from Indian weavers? Indian जो East India Company थी, उसने इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या क्या मेथड अडॉप्ट की? नंबर वन, सिस्टम ऑफ एडवांस, सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट. इसके अंडर उन्होंने क्या किया, इंडियन वीवर्स जो कपड़ा बनाते थे उनको अट्रैक्ट करने के लिए उनको डेब्ट ट्रैप में फंसाया. डेब्ट ट्रैप का मतलब क्या होता है? जो पुअर फैमिलीज होती हैं उनको पहले ही एडवांस दे दें, ठीक है, एडवांस ले लिया और उनको पहले ही रॉ मटेरियल दे दें. अब कई बार क्या होता है, कोई फार्मर है या वीवर है, वो उस एडवांस को खर्च ले, ठीक है, अब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको रीपे करना पड़ेगा. तो रीपे करने के लिए वो एक तरह से उसके साथ उसने बॉन्ड साइन कर ली. बॉन्ड साइन करने का मतलब है कि अब उसको उसके लिए काम करना पड़ेगा. रॉ मटेरियल उसको मिल जाता था, उसका काम क्या होता था, रॉ मटेरियल से क्या बनाना, कपड़ा होता. कपड़ा बनाने के बाद गुमाश्ताज उनसे सारी की सारी सप्लाई ले लेते. प्रॉब्लम तब आती थी जब उनकी सप्लाई गुमाश्ताज के अकॉर्डिंग नहीं होती थी, और गुमाश्ताज
कई बार उनका जो मटेरियल था उसको रिजेक्ट भी कर देते और उनको दोबारा से बनाने को बोलते। तो ये उस टाइम पीरियड में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉटन टेक्सटाइल की प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट चलाया, एडवांस देना शुरू किया, वर्कर्स के लिए गुमाश्तास को अपॉइंट किया ताकि ये गुमाश्तास विलेज एरियाज में जाकर सुपरवाइज कर सके वर्क, और जो क्वालिटी वो चाहते हैं ऐसी क्वालिटी वो उनको मिल सके। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया इंक्रीज ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया में इंडियन फैक्ट्रीज ने बहुत ज्यादा प्रोडक्शन की थी। नंबर वन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? ब्रिटिश मिल्स, दे रिक्वायर्ड वॉर रिलेटेड गुड्स, एंड एट दैट टाइम गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, मैनचेस्टर गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन वर नॉट कमिंग, है ना? क्योंकि वॉर टाइम पीरियड में क्या होता है, कंट्रीज के बीच में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आपस में रुक जाता है। तो ऐसे में लोकल मार्केट की डिमांड को पूरा करने के लिए मैनी फैक्ट्रीज वर सेटअप इन द इंडिया, मैनी इंडियन बिजनेसमैन दे डिड लॉट एफर्ट्स, वर्कर्स वर एम्प्लॉयड, ओवरनाइट शिफ्ट्स वर यू कैन से गिवन, और इनमें वॉर रिलेटेड गुड्स कौन कौन सी होती हैं वो सारी बनाई गई, एंड साइड बाय साइड अदर नेसेसिटी आइटम्स वर प्रिपेयर्ड इन द कंट्री, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का फायदा ही फायदा हुआ है, लॉस हुआ इंडिया को, इंडस्ट्रीज को फायदा हुआ, वर्कर्स को काम मिला। रशिया की कंडीशन में तो ऑपोजिट था, रशिया के तो लोगों को काम भी नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्रीज में काम हो रहा था कि ब्रिटेन अब वॉर रिलेटेड गुड्स जो है उनको सप्लाई हो रही थी, सोल्जर्स को काम जो है उनको यूनिफॉर्म, टेंट्स, लेदर शूज जो भी है वो सारा इंडिया से ही उनको प्रोवाइड किया जा रहा था। दिस वॉज द रीजन हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारे इंडिया में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुई। क्लियर? सो दीज वर द बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस, और आपने ये जो चैप्टर है बेसिकली इसको 1 मार्क के लिए जो है वो प्रिपेयर करना है। अब आज मैं ये पूरा चैप्टर जो है ना जितना हमारा हो गया, जस्ट इन 10 मिनट्स आई एम गोइंग टू, यस रिपीट शॉर्ट में लिखो, यू विल एक्सप्लेन इन द शॉर्ट। यस बच्चे, इस चैप्टर में सबसे पहले आपने पिक्चर डॉन ऑफ द सेंचुरी, उस पिक्चर को किसने जो है वो प्रिंट किया, म्यूजिशियन का नेम क्या है, ईटी पॉल। इस पिक्चर को प्रिंट करने का मोटिव क्या है, टू शो इम्पोर्टेंस ऑफ मशीन्स। ठीक है, वो कहते हैं कि हमारी कंट्रीज ओरिएंट कंट्रीज हैं, पिछड़ी हुई कंट्रीज हैं। क्यों? एक और पिक्चर जो है वो प्रिंट हुई जिसमें अलादीन और मॉडर्न मैकेनिक को कंपेयर किया और हमारी कंट्री को ओरिएंट कंट्री माना गया। ठीक है, देन इसके बाद फिर हमने किया बच्चे फेस ऑफ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये वो टाइम था। इसको पूरा स्टोरी की तरह लर्न करोगे ना तो आपको अपने इवेंट सारी जो है वो पहले इवेंट्स को उनको क्लासिफाई करो अकॉर्डिंग टू टाइम। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन हमेशा याद रखना, जब भी मैंने प्रोटो वर्ड ऐड किया है तो आपने 19वीं सेंचुरी के पहले का टाइम पीरियड बताना है। ठीक है, इसमें हमने ये बताना है कि उस टाइम पीरियड में काम जो था वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज में नहीं हो रहा था, विलेज के लोग कपड़ा बना रहे थे, एंड रीजन क्या था कि उस टाइम पीरियड के जो सिटी में गिल्ड सिस्टम था, मोनार्की जो थी वो गिल्ड सिस्टम को सपोर्ट करती थी, और इसका ये भी रीजन है जिसके कारण बहुत से नए मर्चेंट्स, कॉमन पीपल, दे वर नॉट एबल टू इन्वेस्ट इन कॉटन टेक्सटाइल इन द सिटीज, सो दैट्स व्हाई दे मूव टू विलेज एरिया। अब मैं इसी कंडीशन से रिलेटेड ना आपको अलग अलग क्वेश्चन पूछूंगी, आंसर हमेशा सेम ही होगा। व्हाट इज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, आंसर विल बी सेम। व्हाई मर्चेंट्स इन 17 और 18 सेंचुरी दे मूव टू विलेज एरियाज, आंसर विल बी सेम, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। व्हाई बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन मेनी इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसमैन कुडंट फाइंड प्लेस इन द यूरोपियन मार्केट या जो सिटीज होती थी गिल्ड सिस्टम, तो कहीं ना कहीं ये सारा जो है वो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही अटैच है। इसके बाद नेक्स्ट है रिचर्ड ऑकराइट, बहुत इंपॉर्टेंट नेम उनका माना गया जिन्होंने मिल सिस्टम स्टार्ट किया ना, एंड रिचर्ड ऑकराइट उन्होंने कॉटन मिल बनाई। उनके मिल बनाने के बाद अब एक ही रूफ के अंडर सारा का सारा जो प्रोसेस है, चाहे स्पिनिंग है, चाहे स्टेपलिंग थी, चाहे फुलिंग थी, चाहे डाइंग थी, उसके आने से क्या हुआ, अब सुपरविजन का काम और इजी हो गया। जो वर्कर्स थे वो विलेज में नहीं बल्कि सिटीज में आके काम करते थे, लेकिन ये सारा एक ही बार में शुरू नहीं हुआ,
मिल सिस्टम का मतलब होता है जिसमें सारा का सारा प्रोसेस एक ही छत के नीचे होता है। तो कहीं ना कहीं मिल सिस्टम को स्टार्टिंग में लोगों ने इतना इंटरेस्ट शो नहीं किया, क्योंकि उनको लेबर इजीली अवेलेबल थी, तो उनको लगता था कि मशीन्स की बजाय काम जो है वो विलेज एरिया से करवाया जा सकता है। ठीक है, देन लीडिंग सेक्टर, पूरे इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेस में लीडिंग सेक्टर कौन सा था? कॉटन, और कॉटन के बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। फिर जेम्स वॉट, जेम्स वॉट की स्टोरी। जेम्स वॉट, वैसे माना जाता है कि जेम्स वॉट ने इन्वेंट किया, लेकिन इसको बनाया किसने था? न्यू कॉमन। जेम्स वॉट ने अपने फ्रेंड मैथ्यू वॉल्टन के साथ मिलकर इसको पेटेंट करवाया। स्टार्टिंग में इसकी डिमांड सिर्फ बहुत कम थी, 321, बिकॉज मैंने आपको बताया कि नई टेक्नोलॉजी को लोग स्टार्टिंग में खरीदना नहीं चाहते, दे वर स्केयर्ड ऑफ, सारे रीजंस वही बताने। फिर आता है लाइफ ऑफ वर्कर, कि मशीन्स के आने से लोगों की लाइफ में इसका क्या इफेक्ट पड़ा। ये आपने बताने 5 मेन रीजन बताओगे, शॉर्ट में बताओगे। नंबर 1, माइग्रेशन, अब लोगों को विलेज एरियाज छोड़ के कहाँ पे आना पड़ा? सिटीज में। नंबर 2, सीजनल डिमांड, सिटीज में जब वो आए उनकी जो जॉब थी वो सीजन के अकॉर्डिंग होती, 2-3 मंथ्स काम मिलता था, बाद में उनको निकाल दिया जाता था, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी वॉज देयर। 3, स्लम्स एरियाज इंक्रीज, ऐसे लोगों के पास घर नहीं था, स्लम्स एरियाज। 4, नो सिक्योरिटी ऑफ जॉब, जॉब की सिक्योरिटी नहीं थी, एनी टाइम दे कैन बी डिसमिस। एंड लो वेजेस, उनको वेजेस बहुत कम मिलते थे, और अल्टीमेटली प्रॉफिट जो था वो मेन कौन अर्न कर रहे थे? बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, मर्चेंट्स एंड गवर्नमेंट, बट पीपल इन द फैक्ट्रीज दे वर सफरिंग अ लॉट, बट स्टिल हम ये कह सकते हैं कि वो उनको काम मिल रहा था, तो इसलिए ये काम जो है टाइम चलता था। फिर एक टाइम आया कि जब न्यूज आई कि लोग जो है मशीन्स को अटैक करना शुरू कर रहे हैं, रीजन क्या? यस, अनएम्प्लॉयमेंट। तो यही कंडीशन आगे जो है, स्पिनिंग जेनी, ये देखिए डिवाइस, यू कैन सी स्पिनिंग जेनी एक ऐसी डिवाइस थी, जेम्स हार्ग्रीव्स ने इसको जो है वो डिवाइस किया था, ईयर 1764। इसकी मेन प्रॉब्लम जो है वो क्या थी कि एक मशीन जो है 100 स्पिंडल एट ए टाइम घूम सकते थे, तो आगे जो था वो 100 लोग स्पिंडल अलग अलग बनाते थे, लेकिन जो पर्सन अब इसको खरीद लेगा वो 100 लेबर्स को निकाल के सिर्फ एक लेबर रखेगा, और 100 स्पिंडल का मतलब होता है रोल्स जो है उनको एट ए टाइम मिल जाएंगे। तो धीरे धीरे मर्चेंट्स को लगा कि उनको ये मशीन खरीदनी चाहिए, और उन्होंने कंपनीज में, फैक्ट्रीज में ये मशीन खरीद ली, लेबर्स को धीरे धीरे अनएम्प्लॉय करना शुरू कर दिया। जो लोग विलेज छोड़ के सिटीज में आए थे अब उनका क्या? और ऐसे में बहुत सी वेमेन जो इन फैक्ट्रीज में काम करती थी, थ्रेड बनाती थी, कपड़ा बनाती थी, दे बिकेम अनएम्प्लॉयड, एंड धीरे धीरे उन्होंने क्या कर दिया, इन मशीन्स को अटैक करना, तोड़ना शुरू कर दिया, ताकि किसको लॉस हो? इंडस्ट्रीज को। मशीन्स टूटेंगी तो लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद फिर 1840 के बाद जाकर कहीं टाइम ठीक हुआ, जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, रेलवे, और अमेरिका में लोगों की डिमांड बढ़ी। अमेरिका जो था वो लास्ट स्केल पे लोगों को जो है वो अपनी कंट्री में इनवाइट कर रहा था फॉर लेबर, और धीरे धीरे बहुत से लोग ब्रिटेन से कहाँ चले गए? अमेरिका। तो दैट वॉज अ फेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप। अब हम पढ़ते हैं इंडिया। हमेशा याद रखना, बिफोर 1947 इंडिया वॉज अ कॉलोनी, लेकिन 300 ईयर्स या उससे भी पहले इंडिया की कंडीशन ऐसी नहीं थी। इंडिया का ट्रेड बहुत लार्ज स्केल पे होता था। इंडिया के कॉटन टेक्सटाइल की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा थी। ठीक है, सोने की चिड़िया, गोल्डन स्पैरो कहते थे। लेकिन हमारी कंट्री में कुछ ऐसे पोर्ट्स जो थे वो ब्रिटिशर्स के आने से लॉस हुआ। कौन से पोर्ट्स? सूरत, मसौलीपट्टनम और हुगली। ठीक है, और इन पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस कम हुई। कौन से पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस बढ़ी? बॉम्बे एंड कलकत्ता। रीजन क्या? वाई? नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी सेट अप देयर फैक्ट्रीज इन बॉम्बे एंड कलकत्ता। दे ट्रेडेड, ट्रेडेड का मतलब होता है जो भी उनके कंपनी के साथ डीलिंग्स हैं या जो भी ट्रेडिंग होती है वो बॉम्बे और कलकत्ता से ज्यादा होती थी। देन दे डिवेलप द हार्बर सिटीज, उन्होंने बॉम्बे को बहुत ज्यादा डिवेलप किया, कलकत्ता को डिवेलप किया, सूरत मसौलीपट्टनम को डेवलप नहीं किया, जिसके कारण हार्बर एरियाज होते हैं, डॉकयार्ड एरियाज होते हैं जहां पे शिप्स को लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है। तो ये डेवलपमेंट ज्यादा बॉम्बे और दूसरा कलकत्ता में ज्यादा हुई, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने से हमारी कंट्री में लॉस
आना शुरू, और ये लॉस आगे जाकर कब कवर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक हमने पढ़ना है कि क्या क्या लॉस हुआ, ये तो मैंने आपको बताया डिक्लाइनिंग ऑफ पोर्ट्स। सेकंड वीवर्स की प्रॉब्लम, सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या थी, जब तक इंग्लैंड को इंडिया का कॉटन टेक्सटाइल चाहिए था तब तक हमारी कंट्री में से कॉटन टेक्सटाइल जाता था, लेकिन जब ब्रिटेन में अपनी ही मिल्स बन गई तो वो अब अपनी मिल्स को प्रमोट कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, अपनी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज किया कि वो इंडिया के टेक्सटाइल को क्या कर दें, कॉस्टली टैक्स बढ़ा दें। टैक्स बढ़ाने से क्या होगा, जब हमारा टेक्सटाइल वहां पे जाएगा हमें ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, डबल ड्यूटी कर देंगे तो हमारा हमारे टेक्सटाइल का रेट क्या हो जाएगा, वहां पे बढ़ जाएगा, लोग क्या हमारा टेक्सटाइल खरीदेंगे वहां पे, नो। और इसलिए इंडिया के टेक्सटाइल को लॉस हुआ और धीरे धीरे इंडिया के कॉटन टेक्सटाइल की डिमांड कम होगी। ये बच्चे ये एक मंथ में या टू ईयर्स में नहीं हुआ, कंजेक्टिव ईयर्स का मतलब होता है 10, 20, 30, 40 ईयर्स लगातार हमारी कंट्री में डिक्लाइन आ रहा था। अब दूसरी तरफ अब उनको हमारी कंट्री से टेक्सटाइल नहीं बल्कि क्या चाहिए था, रॉ कॉटन, क्योंकि हमारी कंट्री की कॉटन की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, ठीक है। अब प्रॉब्लम वीवर्स को आई, जो हमारी कंट्री में लोग कपड़ा बनाते थे उनको अच्छी कॉटन नहीं मिल रही थी, इंफीरियर कॉटन मिल रही थी और उसकी जो है क्वालिटी वो बहुत पुअर होती थी, और इंडियन वीवर्स दे बिकेम अनएम्प्लॉयड क्योंकि अब उनके कॉटन की डिमांड, टेक्सटाइल की डिमांड नहीं रही। अब किन की डिमांड थी, जो लोग कॉटन को कल्टीवेट कर रहे थे, जो कॉटन बना रहे थे, मतलब कॉटन की प्रोडक्शन हो रही थी, उनकी डिमांड मेन ज्यादा थी। और इसके लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फिर धीरे धीरे इंडिया में पहले तो टेक्सटाइल बढ़ाने के उन्होंने गवास्ता वगैरह लगाए थे टेक्सटाइल के लिए, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, वीवर्स को इस चीज के लिए या फार्मर्स को इस चीज के लिए कंपेयर किया कि आप अपनी कंट्री में फूड क्रॉप छोड़कर क्या ग्रो करो, कॉटन। लेकिन कॉटन के भी कुछ एरियाज होते हैं ना, हर जगह कॉटन नहीं ग्रो कर सकते, तो स्पेशली जहाँ पे ब्लैक सॉइल होती थी वहां पे फार्मर्स को कंपेयर किया गया कि आप इन एरियाज में फूड क्रॉप्स नहीं बल्कि क्या ग्रो करोगे, कॉटन। सिर्फ कॉटन ही नहीं, हमारी कंट्री में फार्मर्स को बहुत सी अलग अलग क्रॉप्स के लिए कन्विंस किया गया, ओपियम, ओपियम मैंने आपको बताया, इंडिगो, इंडिगो आपने सारा एट्थ में पढ़ा ना, इंडिगो रिबेलियन, डेंटी, हाँ जूट, जिनकी डिमांड फॉरेन मार्क, कॉफी, जिनकी डिमांड फॉरेन कंट्रीज में थी। और इसके लिए हमारी कंट्री में प्लांटेशन सिस्टम शुरू हुआ। प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, द एरिया इन विच वन क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है। फिर ये तो थी वर्कर्स की कंडीशन या वीवर्स की कंडीशन। इसके बाद एक ऐसा टाइम आया जब हमारी कंट्री में मशीन मेड गुड्स का फ्लड आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये वो टाइम था जिस टाइम पीरियड में हमारी कंट्री में जो यूथ थे वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, एंड देवर डिमांडिंग अ लॉट, वेस्टर्न गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा थी। दूसरी तरफ ब्रिटिश मेड गुड्स का रेट कम था और हमारी इंडियन गुड्स का रेट ज्यादा कर दी, ये पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, ताकि हमारी कंट्री में ब्रिटिश मेड गुड्स का रेट कम करके लोगों को उसके लिए अट्रैक्ट किया जाए। देन थर्ड, जब ब्रिटिश मेड गुड्स हमारी कंट्री में आती थी ना, उनकी उनको ड्यूटी फ्री कर दिया, ड्यूटी फ्री का मतलब टैक्स फ्री, टैक्स नहीं उन पर उनको देना पड़ता था, टैक्स नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उनको बेनिफिट होगा, ठीक है। अब इस तरह से हमारी कंट्री में क्या हुआ, मैनचेस्टर कम्स इन इंडिया, ठीक है। फिर वो टाइम आया जिस टाइम पीरियड में आफ्टर 30-40 ईयर्स ब्रिटिशर्स को ये लगा कि अगर फॉरेन से हमारी कंट्री में जब गुड्स आती है ना, शिपमेंट आती है, तो लॉस क्या होता था, कई बार फॉरेन कंट्रीज जो उनकी जो ब्रिटेन की एनिमीज थी वो कंट्रीज शिप पे अटैक कर देती, कई बार रास्ते में शिप ही डूब जाते थे, क्लाइमेटिंग कंडीशंस कह लो या वेदर कंडीशंस के कारण, कई बार सामान यहाँ पर आते आते कितना टाइम लग जाता था, कई बार तो 3-4 मंथ्स लग जाते थे, ठीक है। ये तो जब स्विस कैनल खुली है उसके बाद इंडिया और यूरोप का बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी हद तक कम हुआ। देन एट दैट टाइम ब्रिटिशर्स दे डिसाइडेड टू ओपन ब्रिटिश मिल्स इन आवर कंट्री। फिर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे हमारी कंट्री में मिल्स ओपन की, कंपनीज इंडियन इंडस्ट्रीज बनाना शुरू कर दिया। अब आगे लॉस क्या हुआ, इसका लॉस हमें क्या हुआ, नंबर वन, इंडिया एक तो पैसे वैसे ही और रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए एक कंट्री बन गया था, एंड सेकंड चीप लेबर, अब इंडिया जो था वो चीप लेबर प्रोवाइड कर रहा था ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, एंड इंडियन वर्कर्स दे वर नॉट गेटिंग प्रॉपर सैलरीज,
उनको वेजेस हाई नहीं मिलते थे एंड जो भी प्रॉफिट था ये सारा प्रॉफिट कौन अर्न करते थे? ब्रिटिशर्स और उनके इंडस्ट्रियलिस्ट, कंपनी के जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते। ऐसे में मैंने आपको डाटा लिखवाया था, जैसे फर्स्ट कॉटन मिल बॉम्बे, बॉम्बे में बनी 1854, उसके बाद एक कॉटन कानपुर में बनी, एक जूट की मिल बनी अहमदाबाद, अलग अलग मैंने आपको बताया कि मिल्स बनना शुरू हो गई। इनमें इन्वेस्ट कौन करते थे? ब्रिटिशर्स भी एंड इंडियंस बोथ, एंटरप्रेन्योर्स, हमने इंडियन एंटरप्रेन्योर्स बताने हैं। तो एनी फाइव एंटरप्रेन्योर्स, नंबर वन द्वारकानाथ टैगोर, दिनशा पेटे, सेठ हुकमचंद, जे एन टाटा, जी डी बिरला। तो ये फाइव नेम जो है वो आपको याद होने चाहिए, जो फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया उस टाइम पीरियड में, इन्होंने इन्वेस्ट किया। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले इनके पास मनी कहाँ से आई? मनी कहाँ से आई? क्योंकि इन्होंने चाइना ट्रेड, चाइना के साथ इनका ट्रेड बहुत ज्यादा था। चाइना में इनके जो है वो ओपियम या टी कल्टीवेशन जो है वो टी, इवन ओवरसीज, ओवरसीज का मतलब क्या था, यूरोपियन कंट्रीज में भी इनके शिप जाते थे। तो विद दिस वी कैन से दैट मैनी एंटरप्रेन्योर्स दे अर्नड अ ह्यूज प्रॉफिट्स। पर प्रॉब्लम यहाँ पे भी थी, क्या प्रॉब्लम थी? दे वर नॉट फ्री टू टेक डिसीजंस, दे हैड टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सारे के सारे मेंबर्स कौन थे? ब्रिटिशर्स, नो इंडियन मेंबर वॉज देयर। सो एट दैट टाइम मैनी इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन दे गैदर्ड एंड दे फॉर्म देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर इंडस्ट्री, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दे पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिकॉज दे वॉन्टेड प्रोटेक्शन। वो अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, ब्रिटिश इंटरफेरेंस नहीं चाहते थे। और उस टाइम में तीन मेन एजेंसीज कौन सी थी? बर्ड एंड हाइग्लास, जार्डिन एंड स्किनर एंड एंड्रयू यूल। क्या थी ये? दीज वर द एजेंसीज हु कंट्रोल द सप्लाई फ्रॉम इंडिया। इंडिया से कितनी सप्लाई फॉरेन कंट्री जाएगी, ठीक है, और इंडिया की आइटम्स जो हैं उनका रेट फॉरेन मार्केट में क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, ईच एंड एवरीथिंग वॉज डिसाइडेड बाई दीज यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज। नेक्स्ट था वर्कर्स। वर्कर्स कहाँ से आते थे इन फैक्ट्रीज में? बॉम्बे, रत्नागिरी, कानपुर के विलेज एरियाज में से, और स्पेशली उस टाइम पीरियड में जॉबर्स, ये देखिए जॉबर्स, उस टाइम में जॉबर्स ऐसे होते थे, विमेन इंडस्ट्रीज में काम करती थी, उनकी ओरिजिनल पिक्चर है। उस टाइम में ऐसी फैक्ट्रीज की ऐसी पोजिशन होती थी, ये सारी पिक्चर्स आपको ब्लैक एंड व्हाइट ही मिलेंगी उस टाइम पे। जॉबर्स जो थे उनका मेन काम क्या होता था? टू रिक्रूट वर्कर्स। किनकी हेल्प करते थे? इंडस्ट्रीज के जो ऑनर्स होते थे या गवर्नमेंट की हेल्प करते थे। एंड इसके बाद इनको क्या मिलता था? कमीशन, दे अर्न कमीशन, दे आल्सो एक्सपेक्टेड गिफ्ट्स फ्रॉम द पीपल। सो दीज जॉबर्स वर काइंड ऑफ मिडल मैन बिटवीन वर्कर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। उनकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कंडीशन, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश मिल क्लोथ एंड गुड्स, ठीक है, उनकी जो डिमांड थी दैट डिक्लाइन बिकॉज एट दैट टाइम इंडिया में इंडियन इंडस्ट्रीज दे वर प्रोड्यूसिंग एंड ड्यू टू अटैक ऑफ वॉर, अटैक का भी डर होता था, इसलिए इंडिया से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को कुछ देर के लिए बंद कर दिया वॉर टाइम पीरियड में। और उस टाइम पीरियड में इंडियन इंडस्ट्रीज प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल, मैनी न्यू फैक्ट्रीज वर सेटअप, मैनी पीपल वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एंड दे प्रोड्यूस वॉर रिलेटेड गुड्स एंड हेल्प ब्रिटिश ब्रिटिशर्स। और आपको पता है ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अगर इंडियंस उनको सपोर्ट करेंगे और वो जीत जाएंगे ना, देन दे विल ग्रांट फ्रीडम, पर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। साइड बाय साइड हमने पढ़ा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कि हमारी कंट्री में एक तरफ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी और दूसरी तरफ हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम इंडस्ट्रीज भी सेटअप हो रही थी।
फॉर एग्जाम्पल बनारसी साड़ी, जरी वर्क, एम्ब्रॉयडरी वर्क, हमारी कंट्री की डिमांड फॉरेन कंट्रीज में बहुत थी। यस, एंड लास्ट टॉपिक है बेटा आपका इस चैप्टर का, हमने डिस्कस किया रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स इन मेकिंग द थिंग्स ऑफ बोथ, चाहे वो इंडियन है चाहे फॉरनर, मेकिंग देम पॉपुलर। कौन कौन से मेथड थे? पोस्टर्स, लेबलिंग, मेड इन मैनचेस्टर, मेड इन इंडिया, कैलेंडर्स और इमेजेस ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। यस, इमेजेस ऑफ रॉयल फिगर्स, महाराजा रणजीत सिंह, रॉयल, हाँ, नेशनल मैसेजेस, स्वदेशी अपनाओ, ऐसे मैसेजेस उस टाइम पीरियड में जो है लेबलिंग वगैरह करवाई जाती। सो दिस इज द वे हाउ प्रोड्यूसर्स दे एक्सपेंडेड द मार्केट। क्लियर?